नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। रेत रॉयल्टी के नाम पर लोगों को गेट पास की रसीद दी जा रही है। पिछोर वासियों के साथ धोखा, प्रशासन के साथ धोखा। ये लोग कौन है जो कि छपरा नाके पर रेत की अवैध रॉयल्टी की रसीद काट रहे हैं? ट्रैक्टर की रॉयल्टी की रसीद 4100 रूपये है और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डंपर और एलपी की रसीद रॉयल्टी के नाम पर गेट पास की रसीद देकर कितनी अवैध वसूली कर रहे हैं ये लोग। रेत बाबूपुर, लिधोरा, गजापुर तीनों स्थानों पर अवैध रेत के भंडारण किए जा रहे हैं। प्रशासन या खनिज विभाग द्वारा इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इससे स्थानीय प्रशासन और खनिज विभाग के क्रियाकलाप शक के दायरे में आ रहे हैं। गेट पास के नाम से जारी फर्जी रॉयल्टी की रसीद पर रेत का परिवहन किया जा रहा है। इस तरह फर्जी रॉयल्टी वसूली से खनिज विभाग को करोड़ों राजस्व का नुकसान हो रहा है, जबकि रेत का परिवहन करने वाले ट्रैक्टरों और डंपर को उक्त रसीद किलोमीटर का उल्लेख कर दी जाती है। इसमें परिवहनकर्ता को ये बताया जाता है कि ये रॉयल्टी की रसीद है, इतने किलोमीटर के दायरे में तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। हाँ, रॉयल्टी कितने की काट रहे हैं? रॉयल्टी 4100 रूपए ग्वालियर। अच्छा, ये कहाँ से कहाँ तक कट रही है? कहाँ से ग्वालियर? छपरा से ग्वालियर। छपरा से ग्वालियर नाका कौन सा है? छपरा नाका। ठीक है भाई। सर, जो छपरा नाके पर रॉयल्टी काटी जा रही है अवैध रूप से, लोगों के साथ धोखा हो रहा है, क्या इस सिलसिले में आपको जानकारी है? किन लोगों के साथ धोखा हो रहा है सर? गेट पास के नाम से रॉयल्टी काटी जा रही है। नहीं, किसकी काटी जा रही है? ट्रैक्टर है, डंपर है, 4100 की रॉयल्टी काटी जा रही है। नहीं, किस व्यक्ति की काटी जा रही है सर? कौन व्यक्ति है, किसकी काटी जा रही है? सर, सबकी काटी जा रही है। वहाँ पर हमने जानकारी ली, मीडिया ने जानकारी करने, अभी हमारे पास कोई व्यक्ति नहीं आया। जब आएगा तो हम उसके तदनुसार कार्रवाई करेंगे।